अगर ये पूरी प्लेलिस्ट आपने देख ली तो ग्रेप सिटी का एक भी टेक्निकल क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रांजल जैन, वेलकम बैक टू विक्ट्री पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं ग्रेप सिटी की। ग्रेप सिटी के अंदर कौन से राउंड्स होने वाले हैं, हर राउंड में क्या पूछने वाले हैं और आपको तैयारी कैसे करनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी। इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है? वीडियो स्किप नहीं करनी है, पूरी वीडियो देखनी है एक तरफ से दूसरे एंड तक। क्यों? क्योंकि अगर आप जो पार्ट स्किप कर दोगे वही एग्जाम में आ जाता है। होता है ना ऐसा, एक चैप्टर मैंने छोड़ के गया वही एग्जाम में आ गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरी वीडियो देख लेना, जो मैं बताऊं वो सब पढ़ लेना, गारंटीड आपकी जॉब लग जाएगी, ठीक है? अगर चैनल पे नए हो तो पहले सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो चलो शुरू करते हैं। ग्रेप सिटी के अंदर होने वाले हैं आपके चार राउंड। पहला राउंड होने वाला है आपका एमसीक्यू राउंड, जो होगा कंप्यूटर बेस्ड। तो देख लेते हैं कि एमसीक्यू राउंड में आता क्या क्या है। एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आ सकते हैं, टेक्निकल एमसीक्यूज आ सकते हैं और इंग्लिश बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि फाइंड द एरर इन द सेंटेंस। कंप्यूटर पे आपके आएंगे 30 क्वेश्चंस करीब करीब और आपको मिलेंगे 30 मिनट्स। यहाँ पे स्पीड बहुत जरूरी है, स्पीड सबसे जरूरी है। बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, गलतियां मत करना, सिली मिस्टेक्स की कोई जगह नहीं है। अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे क्योंकि हर एक राउंड एलिमिनेशन राउंड है, तो बहुत ध्यान से अपना पेपर करना, गलतियां नहीं करनी है, सिली मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करनी है। और अगर आप आराम से पेपर करोगे तो मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, सॉल्व हो जाएंगे वो। अब अगर आप अगले राउंड में पहुंचते हो तो अगला राउंड है आपका पेन पेपर बेस्ड राउंड। पेन एंड पेपर बेस्ड राउंड में क्या क्या आने वाला है? टेक्निकल क्वेश्चंस आ सकते हैं, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं और आएगा कोडिंग। टॉपिक्स क्या रहते हैं? पैटर्न से आपको मीडियम लेवल का एक क्वेश्चन आने वाला है और उसके अलावा बहुत ही बेसिक स्ट्रिंग्स और एरे से क्वेश्चन आपको वहां पे पूछे जाएंगे। तो अगर आप आराम से करोगे, टाइम काफी रहेगा इसमें, टाइम की कमी नहीं होगी, कॉन्सेप्ट अगर आपको ठीक ठाक आते हैं तो ये राउंड आपका बहुत आराम से निकल जाएगा, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है। इसके बाद आता है आपका टेक्निकल इंटरव्यू। टेक्निकल इंटरव्यू में क्या पूछेंगे? डीबीएमएस पूछेंगे, ऊप्स पूछेंगे। तो ऊप्स की सारी चीजें आपको कर लेनी है अच्छे से, चाहे वो इनहेरिटेंस हो, एनकैप्सुलेशन हो, पॉलीमॉर्फिज्म हो, उसके हर एक के एग्जांपल्स कर लेने हैं, हर एक के टाइप्स कर लेने हैं आपको। डीबीएमएस के अंदर भी एसक्यूएल की क्वेरीज जरूर देख के जाना, कॉमन, ज्यादा डीप में नहीं पूछते, मुश्किल चीजें ये पूछते ही नहीं, इजी से मीडियम लेवल की चीजें ये पूछेंगे आपसे टेक्निकल इंटरव्यू में। जब आप वो क्रॉस कर जाओगे आप पहुंच जाओगे एचआर राउंड में। एचआर राउंड में कभी कभी पजल्स पूछ लेते हैं और कभी कभी आपकी टेक्निकल इंटरव्यू में भी पजल्स पूछ लेते हैं, तो पजल्स थोड़े ध्यान से सॉल्व करना। पजल्स हल्की टफ लग सकती हैं अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है आज तक, अदरवाइज ज्यादा टफ पजल्स नहीं होने वाले हैं। अगर आप ठीक से सोचोगे तो आपको आंसर पता लग जाएगा कि सॉल्व होने कैसे हैं। टेक्निकल क्वेश्चन के लिए मैंने यहाँ पे प्लेलिस्ट दे दी है, इसको पूरा देख लेना, यहाँ से कुछ भी मिस मत करना। बहुत छोटी प्लेलिस्ट है, बहुत कम टाइम में पूरी हो जाएगी। अगर ये पूरी प्लेलिस्ट आपने देख ली तो ग्रेप सिटी का एक भी टेक्निकल क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा। तो ये हो गया हमारा DRE प्रोफाइल के लिए। इसके अलावा एक और प्रोफाइल के लिए आते हैं, QA प्रोफाइल के लिए भी आते हैं। अब DRE और QA में बिल्कुल फर्क नहीं है, बहुत ही माइनर सा एक फर्क है, वो मैं बता देता हूँ। पूरा प्रोसेस सेम है, बस जो पेन पेपर राउंड आ रहा है आपका DRE में उसमें आते हैं कोडिंग क्वेश्चंस, और जो QA में पेन एंड पेपर राउंड आता है उसके अंदर आपको UI डिजाइन करने के लिए बोला जाता है। उसके साथ आपको एक कोड दिया जाता है, उसके टेस्ट केसेस डिजाइन करने होते हैं, जिससे कि उसके हर एक पाथ, कोड का हर एक पाथ उससे टेस्ट हो जाए। तो ध्यान रखना डिफरेंस क्या है, एक बार और बता देता हूँ। जो पेन एंड पेपर राउंड है DRE के अंदर आते हैं आपके कोडिंग क्वेश्चंस, और QA के अंदर आते हैं आपके या तो इंटरफेस डिजाइन करने के लिए एक क्वेश्चन आएगा और उसके साथ आपको एक कोड दिया जाएगा जिसके आपको टेस्ट केसेस डिजाइन करने होंगे, जिससे हर एक पाथ ऑफ द कोड टेस्ट हो सके। तो ये चीज अगर आप अच्छे से कर लोगे तो दोनों प्रोफाइल आपकी क्लियर हो जाएंगी। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से करना, आराम से करना, गलतियां मत करना। क्वेश्चंस आसान है इसलिए कट ऑफ हर एक राउंड का थोड़ा हाई रहेगा, और हर एक राउंड एक एलिमिनेशन राउंड है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे से करना, बहुत आराम से करना, ये जॉब आपकी पक्का लग जाएगी।
प्लेलिस्ट जो बोली है वो देख लेना, और गुड लक के लिए क्या करो, इस वीडियो को जरा लाइक कर दो, आपकी जॉब पक्की। चलो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।